सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 37 से युवा बालेश्वर साहू ने अपनी जीत दर्ज करते हुए 76,747 मत प्राप्त किए। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा को 50,825 मत प्राप्त हुए। तो वहीं आपको बता दें कि बालेश्वर साहू ने 25,922 मतों से जीत दर्ज करते हुए भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा को पराजित किया। अपनी जीत पर बालेश्वर साहू ने कहा, जयपुर विधानसभा के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और भूपेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजना एवं डॉक्टर चरदास महंत के आशीर्वाद से मुझे यह जीत मिली है। ये जीत हमारे समस्त जयपुर विधानसभा के जनमानस जिन्होंने मेरे साथ मिल के काम किया, मैं जहाँ भी गया मेरे साथ खड़े रहे और मेरे अनुपस्थिति में उन्होंने मेरे लिए प्रचार प्रसार किए, ये जीत उन जनमानसों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किए हैं कि ये जयपुर विधानसभा के लिए विकास करेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद के साथ उनको भरोसा देना चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ के अपने पूरे मेहनत से उनके साथ खड़ा होकर काम करूंगा। जयपुर में बसपा का वोट जो है तीसरे पोजीशन में आ गया है और लगता है कि बसपा का जो कैडर वोट है वो कांग्रेस को मिला है, आप क्या कहेंगे? बसपा का वास्तविकता में वोट जो है भीम आर्मी में गया है, कांग्रेस में आए हैं और बीजेपी में भी गया है। बीजेपी में उनके समाज के लोग केशव के ऊपर विश्वास न करके कृष्णकांत चंद्र के ऊपर विश्वास किए हैं, कुछ हमारे ऊपर विश्वास किए हैं। भीम आर्मी के ओम प्रकाश वर्मन बंजारे जी खड़े थे, उनके पर 10,000 कुछ वोट पाए हैं, वो बीएसपी का वोट थे और तीनों चारों पार्टी मिल के बसपा को नुकसान पहुँचाए हैं, इसलिए उनका पोजिशन तीसरा में गए हैं। आप पहले बार मैदान में थे, देश में भाजपा की लहर रही, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने जीत दर्ज की। जयपुर विधानसभा में हम लोग वास्तविकता में 5 साल जो सीएम साहब जो काम किए थे 2018 से 2023 में, उनके काम के बदौलत हम लोग उस मुद्दे को लेकर मैदान में गए थे, जो हमारा घोषणा पत्र है उसको मैदान में लेके गए थे। आज हम लोग यहाँ जांजगीर चांपा और शक्ति जिले इस लोकसभा से पूरे सीट 8 के 8 जीते हैं, लेकिन हम लोग उसके बाद भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं और दुख इस बात की है कि हम लोग जो किसान भाई जो 2018 में हमारा सरकार बना था तो शपथ लेने के बाद 3 कर्ज माफ़ी, धान को 2500 रुपये जो करना था और बिजली बिल हाफ 2 घंटे के भीतर हम लोग किए थे, उसी प्लानिंग के साथ हम लोग इस बार भी तैयारी किए थे, लेकिन कहीं हमारे से चूक हुआ होगा जिसके कारण हम लोग आज सरकार नहीं बना पाए, विपक्ष के भूमिका में हैं और पूरे मेहनत के साथ हम लोग काम करेंगे। आने वाला 2028 में हमारी तैयारी चुनाव जीतने की रहेगी पूरे विधानसभा में और किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, ये पूरे विश्वास के साथ हम लोग 2028 में के लिए तैयारी करके करेंगे और मैदान में उतरेंगे। और मैं उन सभी जनमानस जयपुर विधानसभा पूरे छत्तीसगढ़ और जो मेरे साथ चुनाव लड़े हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मिल के और बहुत शालीनता के साथ बिना किसी विवाद के इस विधानसभा चुनाव को निपटाए हैं। सबके लिए मैं आभारी हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे से कहीं कुछ गलती हुआ हो जाने अनजाने में, मेरे से माफ़ करना। मैं सबसे छोटा हूँ इस जय छत्तीसगढ़ में, पूरे विधानसभा में सबसे छोटा हूँ और जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से मेरे से गलती हुआ होगा किसी मतदाता जनमानस बंधु भाई से, युवा साथी के पास, तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आज मेरी जीत हुई है, आज ये पूरे जयपुर विधानसभा की जीत है, समस्त बूथ सेक्टर जोन और मेरे साथ जितना मेरे साथी थे जिन्होंने रात दिन जग के मेरे लिए काम किए और ये चुनाव बालेश्वर नहीं, वो स्वयं अपने लिए तैयारी किए थे, आज तब इतनी बड़ी जीत हासिल हुआ है।